झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों महत्वाकांक्षी खतियानी जोहार यात्रा पर है। 8 दिसंबर को गढ़वा से इसकी शुरुआत हुई और अब 12 दिसंबर को गुमला में इसका अगला पड़ाव होगा। सीएम के आगमन को लेकर एसपी ने घाघरा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी ने विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जवानों को सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो भीड़भाड़ वाली जगह है वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं और हम लोग ट्रैफिक को देख के क्या मैनेजमेंट होगा उसका प्लान बना रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर पॉसिबल एंगल से हम लोग उसको रहे हैं। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री प्रथम चरण में कल गुमला यहाँ पर आगमन होगा, उसी को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी तैयारी की गई है। रांची से कारीगरों को बुलाया गया है और स्थानीय यहाँ के जो टेंट हाउस के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और यहाँ पर पूरे जोरों शोर से कल मुख्यमंत्री आगमन को लेकर यहाँ पर लोग जुट रहे हैं और उसकी तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर स्थानीय लोग भी और कई यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। खतियानी जोहार यात्रा जो है एक तरह से जिस तरह पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसी तरह से राज्य सरकार भी आम लोगों से जुड़ने के लिए, आम लोगों के बीच में जाने के लिए जोहार यात्रा निकाल करके अपना जो सरकार का जो पॉलिसी है उनको आम लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि आम जनों तक, जन जन तक ये संदेश जाने के लिए खतियानी जोहार यात्रा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री कल हेमंत सोरेन यहां पर मौजूद होंगे और टाइमिंग दिया गया है 11 बजे का। इसके बाद में स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर सीधे कल का जो कार्यक्रम होगा वो लोहरदगा रात्रि विश्राम का होगा। गुमला से न्यूज 11 के लिए किशोर जायसवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।